नमस्ते। सो उस साइड कम दिस साइड साथ में आइए सर, बैनर पे करते हैं ना। सो आप इधर आ जाइए, आपका सब इधर इस साइड। मैंने सालों बाद में नमस्ते कहा। पायलट को बोला था पंखा बंद है, आप लोग सब साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस to make jokes. Hey, I love you, yeah? What did you feel? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. How are you? Where is it? दोनों लोग सोच रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी पर कोई पिक्चर बन रही है, लेकिन वो ऑलरेडी बन चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। बट दोनों जो ये कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, और जो दीपक भाई ने फिल्म बनाई है, इसमें एक बहुत क्यूट सा सोशल मैसेज है अबाउट जो प्रेशर्स पेरेंट्स के ऊपर आते हैं बच्चों की वजह से। वैसे बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए पेरेंट्स पर, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी यू नो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से, बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से, तो एक अननोइंगली कभी कभी प्रेशर आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, और ये सॉल्व कैसे होता है, हमारा जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसकी जर्नी, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से भी दिखाया, बिकॉज इन्होंने काफ़ी फ्लैशबैक्स फ्लैश फॉरवर्ड्स अलग अलग लोकेशन में ले गया ये। तो 15 मिनट्स आप बहुत इन्जॉय करेंगे, एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट नाइस हैप्पी फिल्म। ही इज वेरी नाइस एंड ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई थिंक ही नेवर लाइक मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें सर ने एक भी चेंजेस करने के लिए नहीं कहा, तो आई एम वेरी लकी आई फील, क्योंकि बाकी जो एक्टर होते हैं चेंजेस लाते हैं। ही बिलीव्स इन द डायरेक्टर्स विजन एंड इनको स्क्रिप्ट जैसे अच्छी लगी थी, तो ये मैं बहुत लकी मानता हूँ कि इन्होंने एक भी चेंजेस नहीं कहा मुझे करने के लिए। दो बार में मना लिया, थैंक्स टू एल्बो रूम, दैट वाज वेरी, अभी ग्लास रूम हो गया है, दैट वाज अ लकी प्लेस फॉर मी। तो आई थिंक इट विल बी रियली लकी जब ऑडियंस इसको देखेगी और एंजॉय करेगी, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग किसी भी डायरेक्टर या एक्टर के लिए। देखो मैं वैसे मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स की नहीं है, मैंने की थी टैप टैप इनके पहले जो अब रिलीज़ होने वाली है, और फिर ये जब ले आए थे मुझे काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स के ऑफ़र आते हैं, बट मुझे पता नहीं इनके सब्जेक्ट में मुझे क्या अच्छा लगा है, जस्ट फेल्ट इट वाज प्लेजेंट नाइस विद अ गुड मैसेज, तो मैंने कर लिया। बिकॉज मेरा जो मीडियम है इज़ ऑल कमर्शियल सिनेमा, मुझे वो दो घंटे वाली डिशुम डिशुम कॉमेडी वाली फिल्म्स बहुत पसंद है, मैं वो फिल्म्स देखता हूँ और ऐसी फिल्मों में मैं काम भी करता हूँ। सो ये उसको छोड़कर दिस वॉज समथिंग रियली न्यू एक्सपेरिमेंटल, बट वॉज फन। चंकी सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, लाइक आज की पास्ता सभी के दिमाग में बैठ चुका है, जब भी कुछ भी आप स्क्रिप्ट चूज करते हो कितना डिफिकल्ट होता है, लाइक एक माइंडसेट सबकी सेट हो चुकी है, चंकी सर आखिरी पास्ता। आखिरी पास्ता, मैं बहुत लकी हूँ कि लोगों का माइंडसेट एंड उन्होंने इतने अच्छी तरह से खूबसूरती से इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया है और मुझे इतना प्यार लव देते हैं। बट मुझे पता है कि मैं आखिरी पास्ता तो कभी कर नहीं पाऊँगा लाइक दैट, बिकॉज वो आखिरी पास्ता हाउसफुल के साथ ही जाता है।
He's more like James Bond, or licensed to do anything, say anything, or फिर बोल I'm joking. But मैंने और भी characters किए, like जो मैंने नेपाली का role किया था अपना सपना मनी मनी में, राणा जंग बहादुर उसमें मैं filmfare में भी nominate हुआ था, and a lot of other characters. But मेरा ये हमेशा struggle रहा है कि मैं जो भी character चुनता हूँ मैं उसको थोड़ा cocktail बनाता हूँ, तो उसको 100% authentic नहीं रखता हूँ. अगर मैंने आखिरी पास्ता किया इटालियन तो उसमें मैंने थोड़ा अफगानी भी डाल दिया उसके एक्सेंट में, तो अगर आप उसको ठीक से सुने तो कभी कभी पठान भी साउंड करता है. जैसे मैंने नेपाली का कैरेक्टर किया था उसमें मैंने थोड़ा बंगाली डाल दिया था. ये सब इसलिए होता है बिकॉज आई एम अ बैड एक्टर, मेरे से नकल नहीं होती किसी की, तो नकल करते करते दो तीन एक्सेंट आ जाते हैं. मुझे लगता है हाँ, आई थिंक दैट इज़ वॉट पीपल इन्जॉय बिकॉज इट्स नॉट परफेक्ट. तो बस इसमें भी हमने कुछ कोशिश की है, लेकिन दिस इज़ अ मोर सीरियस नोट काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट आउट एंड आउट कॉमेडी. राइम स्टार एक्चुअली, तो ये जो भी डायलॉग्स है ना राइमिंग में है, लाइक इन अ पोएटिक मैनर ही टॉक्स. मैंने बहुत स्ट्रगल और मैंने बहुत पापड़ बेले फिल्म लाइन में आने के पहले. आई थिंक 18 साल की उम्र में मैंने प्लान किया था कि मैं एक्टर बन जाऊं, और 23 साल की उम्र में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली. तो कितने साल हो गए, 3-5 साल हो गए, और 5 साल में काफ़ी मस्ती की मैंने, इन्जॉय किया, स्ट्रगल किया, और हम सबका स्ट्रगल अलग ही होता है you know? और मैं हमेशा अपनी बिटिया को भी बोलता हूँ कि कभी किसी की नकल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज हर एक्टर की स्टोरी अलग होती है, और एक्टर सिर्फ चलता है अपनी फिल्मों की वजह से और किसी चीज़ की वजह से नहीं चलता है. तो फिल्में कैसे आती हैं, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग स्टोरी. कभी कोई पिक्चर छोड़ दे और आपको वो फिल्म मिल जाए, वो चल जाए, या कोई किसी की डेट्स अवेलेबल नहीं और आपको ये फिल्म मिल जाए, और कभी कभी गलती से आप कोई फिल्म छोड़ दे और वो सुपरहिट हो जाए. सो इट्स लाइक अ स्टॉक मार्केट. इसके अलावा जंगे सर, अनन्या पांडे लाइक तेलुगु में अभी डेब्यू करने जा रहे हैं, विजय के साथ काफी फोटोज उनकी वायरल हो रही है. देवकोंडा, उसको एनाकोंडा बुला रहे वो लोग. क्या कहना चाहते हैं फिल्म फेयर में, मतलब ऑलरेडी वो बेस्ट डेब्यू का खिताब जीत चुकी है ना तेलुगु. अरे वो मेरे को लगता है अपने पापा की नकल कर रही है, बिकॉज पापा ने फिल्म की थी ना तेलुगु हिंदी साहू, तो लगता है बेटी ने भी डिसाइड किया चलो मैं दिखाती हूँ आई एम बेटर देन माई पापा. बट ये बहुत ही कमाल की फिल्म उसने साइन की, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज डायरेक्टर तो जगन्नाथ पुरी, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया आई वुड से, एंड बहुत ही कमर्शियल डायरेक्टर है. उसकी सब फिल्में आजकल हिंदी में बनी है, वांटेड एंड सो मेनी अदर फिल्म्स. तो राउडी राठौड़, एंड ऑल्सो आई थिंक ये जो अभी रणवीर की पिक्चर आई थी सिम्बा, दिस इज ऑल हिज ओरिजिनल तेलुगु फिल्म्स, टेम्पर एंड स्टफ. तो अनन्या बहुत कुछ सीखेगी वहाँ, एंड आई थिंक शी बिकम अ ग्रेट कमर्शियल हीरोइन. लास्ट की फैन से क्या कहना चाहेंगे, लाइक कब रिलीज होने वाली है शॉर्ट फिल्म एंड व्हेन दे कैन सी इट? या इट्स इट इज अवेलेबल ऑन एमएक्स प्लेयर, यू कैन वॉच द फिल्म ऑन एमएक्स प्लेयर. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई पिक्चर देखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना, ट्विटर हैंडल पे जाना, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना मेरे बारे में, फिल्म के बारे में, प्लीज़ एंजॉय इट.